Hello everyone. Good evening to all of you. Am I audible? So, how's you doing? I think mostly joined. Swati is asking what is the question you are doing. I'll tell you, Swati, just wait. Okay. So Khushbu is asking a question, ma'am. By default, I created my two profile. How can I delete my second profile? I hide that, but it get unhide after some time. Please tell me what can I do. You can delete that. If you when you hide it near to this, there will be a button appear for the delete. जब आप hide करते हो, तो वहाँ पे एक hide के बाद एक button आता है delete का. आप वहाँ से delete कर सकते हैं उसको. Okay, so guys, today we are going to start the next topics on GUI and Tkinter in this module. Yes, Mansi, that is included. Today I'll complete before that. Kapil is, ma'am, please jaldi jaldi padhao. Aaj ki khatam hone wali hai. Okay, MBs. Din mein use mat kara karo aap log. ज्यादा इंटरनेट यूज मत करा करो. ओके, सो अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट. टिल लिस्ट वी हैव कवर्ड एंड देयर इज द सम क्वेश्चंस. आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो. Okay, guys, now come to the some data types. That is the top first one is tuple. We have done the mutable and immutable. Immutable is the string and simple numbers, floats, integers, all these included into the immutable. And then in the mutable list we have covered till now. Now I'm going to cover the tuple. Tuple is basically immutable data type. It is a collection data type, but it is a immutable. Basically, it is kind of list, but it is a constant. It is immutable. List is mutable, but tuple is immutable. It means we can create tuples, but we cannot change the tuples. We cannot change, cannot delete the elements in between the tuples. Okay. सो टपल इज अ सीक्वेंस. मैं थोड़ा सा आज मुझे ज्यादा टॉपिक्स कवर करने हैं, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगी. एट द एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ आई वाज स्टार्टिंग द टपल. टपल इज अ सीक्वेंस ऑफ पाइथन ऑब्जेक्ट्स लाइक लिस्ट विथ इम्यूटेबल फीचर्स. वी कैन नॉट एड एंड रिमूव एन आइटम इन टपल. टपल में हमें ज्यादा चीजें लर्न करने की जरूरत नहीं है. बेसिकली टपल के लिए हमें सिंपल, हमें एक कोई भी टपल डिक्लेयर करना है तो हम नॉर्मल ब्रैकेट से टपल डिक्लेयर कर सकते हैं. अब इसके अंदर हम वैल्यूज लिखते हैं लाइक 1, 2, 3, a. ओके, ओके गाइस, वेयर आवर सो टपल इज क्लोज्ड बाय द पैरेंथेसिस लाइक दिस. आई कैन डिक्लेयर ए टपल. ओके,
Yes, within the 5 minutes, I conclude the tuple couple. Don't worry about it. Okay. एंड टपल जनरली जस्ट लिस्ट की तरह होता है. इसमें सारे ऑपरेशंस आप जो लिस्ट में लगाते हो, स्लाइसिंग आप इसमें कर सकते हो. बस इसका डिफरेंस ये होता है कि आप इसको एडिट नहीं कर सकते. सिंपल, आप इस तरह से डिक्लेयर करते हैं और आप किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आप एक्सेस कर सकते हैं लाइक दिस. ओके. एंड ऑल द फंक्शंस सेम एज द लिस्ट. जो फंक्शंस हम लिस्ट में यूज करते हैं वो सारे फंक्शंस हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं. ये देखो स्लाइसिंग यहाँ पे की हुई है, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं. डिलीट, हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अपडेट नहीं कर सकते, हम कंप्लीट को डिलीट कर सकते हैं. ठीक है. एंड बेसिक फंक्शंस लाइक कॉन्कैट करना है आपको, आपको बाकी फंक्शंस लेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी है तो ये सब आप इस पे कर सकते हो. जनरली हम उन केसेस में टपल यूज करते हैं जब हमें कहीं पे एक फिक्स लिस्ट चाहिए होती है, जिन चीजों को हमें कॉन्स्टेंट रखना होता है. ओके. सो दिस इज द ऑल अबाउट द टपल. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टुवर्ड्स द डिक्शनरी न्यू डेटा टाइप. ऋषिकेश इज आस्किंग ए क्वेश्चन, कैन वी यूज अपेंड इन टपल? नो, वी कैन नॉट चेंज द टपल. टपल इज वंस यू डिफाइन इट इज फिक्स. ये जस्ट एक कॉन्स्टेंट होता है. ओके. मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप. सो दिस इज द सिंपल डेटा टाइप. एंड ये बहुत कम यूज आता है, बट कहीं कहीं आपको जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने आपको इसको जस्ट फॉर योर अवेयरनेस मैंने आपको ये बेसिक बताया है. नाउ कम टू द नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज द डिक्शनरी. डिक्शनरी इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये आपको आनी चाहिए. ओके. अपडेट नहीं कर सकते हम ऋषिकेश इसको. ही इज आस्किंग हाउ कैन आई अपडेट द टपल? वी कैन नॉट अपडेट. अब बेसिकली डिक्शनरी में हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी में हम सिंपली, हमारे पास एक की होती है एंड एक वैल्यू होती है. ओके. की एंड वैल्यू दो चीजें आपके पास होती हैं. बेसिकली की से आप वैल्यू को एक्सेस करते हो. लाइक आप एक सिंपल डिक्शनरी कैसे डिक्लेयर करते हो, डी इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस. स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लिस्ट में यूज करते हैं, डिक्शनरी में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं. ओके. एंड इन द डिक्शनरी वी हैव की वैल्यू. सो हाउ टू राइट द की वैल्यू, लाइक मेरी एक की है 1 कॉलन, देन मेरी वैल्यू होगी, इस पर मैं वैल्यू लिख रही हूँ ए. ओके. एंड इट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यूज. सो सेकेंड की इज 2 एंड वैल्यू इज बी, समथिंग लाइक दिस. अब ये मैंने एक डिक्शनरी डिक्लेयर की है जिसमें एक की है 1, 1 पे वैल्यू है ए. दूसरी की है 2, 2 पे वैल्यू है बी. ओके. सो हाउ टू एक्सेस द डिक्शनरी, दिस इज द सिंपल डिक्शनरी. यू कैन प्रिंट द डी. ओके. ए पे वैल्यू है, 1 पे वैल्यू है ए, 2 पे वैल्यू है बी. अब आपको डिक्शनरी में वैल्यूज एक्सेस करनी है तो यहाँ पे आप इंडेक्सिंग नहीं होती. इन प्लेस ऑफ इंडेक्सिंग हियर इज फॉर द पर्पज ऑफ इंडेक्स हियर वी कैन यूज द की. लाइक आई वॉन्ट टू एक्सेस द वैल्यू ए, देन हाउ टू एक्सेस इट, आई नीड टू डू लाइक डी ऑफ 1, देन इट विल गिव मी ए. इट इज नॉट नेसेसरी इट इज ए 1, इट कैन बी 10, इट कैन बी 20, एनीथिंग. ओके. दिस इज द सिंपल वैल्यू एट प्लेस ऑफ 10. 10 पे क्या वैल्यू है वो हमें मिल गई. यस, डिक्शनरी में हम सब कुछ चेंज कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें एडिट कर सकते हैं. ठीक है. अभी मैं बताती हूँ आपको कैसे डिक्शनरी में हम चीजें ऐड करते हैं, कैसे हम पर्टिकुलर वैल्यू चेंज करते हैं, हम की कैसे वैल्यू चेंज करते हैं, कैसे की में हम चेंजेस करते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको अभी बताती हूँ. ठीक है. नाउ कम टू द डिक्शनरी मॉड्यूल. दीज आर द सम सिंपल फंक्शंस जिनकी हेल्प से आप डिक्शनरी को एक्सेस करते हो. कोलन से हमारी की वैल्यू सेपरेट होती है. जैसे मैंने यहाँ पे किया की कॉलन वैल्यू, की कॉलन वैल्यू. ओके. सिंपल. अब मैंने इसको एक्सेस किया की से. अब मुझे पर्टिकुलर की पे कोई वैल्यू चेंज करनी है. राजश्री, व्हाट्स योर क्वेश्चन?
Ma'am, how can we delete element from tuple? We cannot delete element from tuple, Rajshree. टपल हम कंप्लीट डिलीट कर सकते हैं, हम पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते, ओके? इफ यू राइट मोहित इज रिटन लाइक इफ आई राइट डी ऑफ जीरो देन व्हाट विल हैपन, देयर इज नो की. डी ऑफ जीरो आप लिखोगे, इसके ब्रैकेट में आप जो भी लिखते हो वो एक की होनी चाहिए, एक की प्रेजेंट होनी चाहिए यहाँ पे. लाइक की अगर 10 की है देन ओनली इट कैन गिव यू वैल्यू एट 10. इफ आई राइट डी ऑफ जीरो देन इट विल सर्च इफ जीरो की इज प्रेजेंट, इफ इट इज प्रेजेंट देन इट विल गिव टू यू वैल्यू ऑफ वैल्यू एट जीरो एंड इफ इट इज नॉट प्रेजेंट देन इट विल गिव यू एरर. यस, डिक्शनरी इज प्रेजेंट इन पाइथन, इट इज अ पार्ट ऑफ पाइथन गरिमा. Yes, you can give the alphabets to the key or anything you can give to the keys. Okay. Now come to the value. I want to change the values. Like मुझे A की जगह replace करना है, मुझे अपना नाम डालना है A की जगह, ठीक है? So D of 10 equals to I'm writing my name Sharda. Okay, now you can print D. Okay, here you can see the key value at key 10 is changed. Okay. Yes, I'm coming to why we use dictionary. I'm coming to your questions. Just wait, guys. First, listen to me. मैं सारे concepts clear कर देती हूँ. After that, I'm coming to your questions. I'll answer your each and every question. Okay. Like this is the empty dictionary. We have declared a dictionary. One key, 1, 2, 3, and values. And then you can simply declare the dictionary using the dix function also. Okay. Accessing element in the dictionary. How to access elements in the dictionary? This is very important. There are certain functions that we can use, like simply length of D. There are certain functions d dot items. One is d dot items, like dictionary name dot items, then d dot keys. I'm coming to your questions, just wait. मैं थोड़े से functions explain कर दूं पहले. d dot keys and d dot values. Okay? ये तीन important functions होते हैं हमारे पास dictionary में. अब इन तीनों फंक्शंस को हम कैसे यूज करेंगे, आप लोगों को विजिबल है क्या? आई इंक्रीज माय स्क्रीन साइज. ओके, ये तीन फंक्शंस मुझे यूज करने हैं. सो सबसे पहले मैं एक थोड़ी बड़ी सी डिक्शनरी ले लेती हूँ, यहाँ पे कोई बनी हुई होगी लाइक दिस वन. Okay, I'm adding code. I can run it. D एक डिक्शनरी है जिसमें मेरे पास क्या क्या है,
कीज हैं, चार मेरे पास की हैं, डी इक्वल्स टू स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस देन की. हियर वी आई हैव टेकन द कैरेक्टर्स स्ट्रिंग एज अ की एंड वैल्यू ऑल्सो स्ट्रिंग. सो जॉनी इज अ की एंड वैल्यू एट जॉनी इज 5 years old. सिमिलरली सैली इज अ की एंड 7 years old इज अ वैल्यू. की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू आई हैव. I have printed this D. Now I just want to use the functions like for loop. I want to access the dictionary items. For I in D dot items. Okay. And आप लोग एक काम सबसे पहले करा करो, टॉपिक को क्लास से थोड़ा सा पहले पढ़ लिया करो तो आपके बहुत सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे. Here you can see items. Items is basically items हमें क्या देता है, इन सब का टपल, की और वैल्यू का एक टपल. वन आइटम लाइक आई की वैल्यू जब मेरी जीरो होगी, यानी फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा, तो फर्स्ट टाइम डिक्शनरी में लूप कैसे चलेगा, पहले पूरे आइटम को लेगा, की और वैल्यू दोनों के पेयर को लेगा, की और वैल्यू को का एक टपल बना देगा. सिमिलरली सेकेंड टाइम जब लूप चलेगा तो सेकेंड वैल्यू पे जाएगा ये. सेकेंड मेरी क्या है, की वैल्यू. आइटम्स मींस इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ की एंड वैल्यू, बोथ इट विल टेक बोथ की एंड वैल्यू. ओके, सो की एंड वैल्यू के टपल्स मुझे आउटपुट में मिलेंगे. सिमिलरली अगर मैं दूसरी चीज लिखती हूँ, कंट्रोल जेड, फोर आई इन D dot keys, okay, print. Some students already know the things. Please guys wait, because I need to consider each and everyone. So that's why I'm telling from the scratch. For I in D dot keys, keys means it will take only the keys. Like from here, it will pick फर्स्ट की जॉनी, देन सैली, ईवा एंड पैगी. की विल बी असाइन टू द ए. नाउ जस्ट आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू एट की, देन हाउ टू प्रिंट, कॉमा डी ऑफ आई. सो इट गिव मी वैल्यू की, आई इज अ की एंड देन द वैल्यू. Or I can append a string equals Johnny equals 5 years old, Sally 7 years old, Eva 10 years old. I think keys function आपको clear हो जाना चाहिए. Keys only keys को लेगा और key के through हम value कैसे लेते हैं, D of key. We can use d dot keys without loop also. ये आपको एक list देगा. Like here you can see, it is a list. d dot keys, keys की हमें एक list मिल गई. लूप में इसलिए लिख रही हूँ, मुझे एक एक की और उस पे वैल्यू भी चाहिए. गॉट इट. सिमिलरली डी डॉट कीज के प्लेस पे मैं डी डॉट वैल्यूज लिख सकती हूँ. वैल्यूज से मुझे क्या होगा, डायरेक्टली मुझे वैल्यू मिल जाएगी. अभी डिपेंड करता है आप डिक्शनरी से वैल्यूज कैसे एक्सेस करते हैं, आप कीज फंक्शन से एक्सेस करते हैं, आइटम से एक्सेस करते हैं, और सिंपली आप वैल्यूज से एक्सेस करते हैं. यहाँ पे डी ऑफ आई कुछ नहीं है, आई से आपको डायरेक्टली की मिल जाएगी, सॉरी वैल्यू मिल जाएगी. आपको अगर की निकालनी है वैल्यू से तो आपको खुद का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखना पड़ेगा.
There is no predefined function for extracting value, a key with the help of value. Okay? So, हम लोग कैसे की वैल्यू तीनों चीजें अलग अलग निकाल सकते हैं. यहाँ पे भी हमारे पास एक और चीज होती है आइटम्स में, मैं मिस कर गई थी यहाँ पे. लाइक मैं इसको ऐसे भी प्रिंट कर सकती हूँ, मुझे की वैल्यू सेपरेट प्रिंट करनी है इसकी हेल्प से. तो ये एक टपल है, टपल में पहले जीरोथ इंडेक्स पे कुछ है एंड देन फर्स्ट इंडेक्स पे कुछ है. ओके, सो जीरोथ इंडेक्स पे मेरी क्या है, की है एंड देन फर्स्ट इंडेक्स पे मेरी क्या है, वैल्यू है. लाइक दिस इज अ टपल कंप्लीट आई एंड देन आई ऑफ जीरो इज दिस की Johnny and I of one this value. Okay, so how to access a dictionary? These are the simple ways to access a dictionary values. Or simply you can write the another loop. If you writing a loop like this for I in D, then it will take by default keys. So print I, it will print the keys only, and if you want to print the values then just write d of I. Okay guys, now I'm coming to your questions, just wait. Krishan is asking, can we run a huge Python program in Jupyter? Yes Krishan, you can run. Without loop, we can use d dot keys. Swati, I have given the answer. Chirag is asking, ma'am, how Johnny comes first? It is the first key. What do you want to ask, Chirag? I'm not getting your question. This is key. It is not ordered set. Okay. Yes, we can write like this also, Bhupender. For I comma j in D, like I'll show you. But what is the j? I comma j and print j comma this. How can it get j? Aapko, if you want to write like this, then what you need to write? D dot items. For this one, it is a correct because items will give you two things in a tuple. So you can store these in a two different variables. But if you are using the simple d, then only one variable you need to keep. Okay? Got it, Bhupender? Yes, dictionaries are unordered. I told you, it is not ordered. Can we change keys as we are changing values? We cannot change the keys. We can delete a key. After that, we can add another key. Like if you want to add one more key, like here we have four keys and I want to add one more key, like d dot give me name of somebody, Chirag. Okay, d of Chirag is equal to 20 years old, right? So after that, if I'll print d, Chirag is added to the dictionary. What happened? First, it will search if Chirag is already present there. If it is already present, then it will update the value. And if it is not present, this key is not present, then it will add this key to the dictionary. Okay? So we can change in the dictionary. We can add an element, we can delete an element. We can change update value at a particular element. Okay.
आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई हैव आंसर्ड. स्टिल किसी का क्वेश्चन पेंडिंग है तो आप दोबारा लिख देना, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सो वो ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द डिक्शनरीज मॉड्यूल. हम इसको गो थ्रू कर लेते हैं एक बार, रिविजन हो जाता है आपका. ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, की ऑन वैल्यू, हाउ टू एक्सेस, हाउ टू ऐड, how to add here the tad is added 5 year old and new element is added to dictionary. Kuldeep is asking a question, we can make changes in dictionaries or not? Yes Kuldeep, we can make changes. Rusikesh is asking why we use dictionary, because sometimes we need the data type where like we want to access with the help of key and values, and like I'll tell you in the further, like if you want to read some file, there is some key is a column value, you can save column name as a key and values in that column as a value. So basically when you read some files, it is very important you can store it as just like a dictionary. Okay, and there are some other uses also, we will see in the further chapters. Sagar is asking how to take input from user in dictionary. Yes Sagar, I am coming to this point, how to take user input. Okay, for this you need to take two things as a user input, like you first you need to take key and then the value. So how we can take a key value as input, like for loop, for I in range, how many elements you want to add in a dictionary, like I just want to enter 4 elements. Okay, and before that I need to declare a empty dictionary. Okay, d is equal to empty dictionary, and then user input in a dictionary I am taking here. First I am taking key is equal to input enter key. Okay, and then value d of key is equal to input enter value. Okay, I think this is enough. Let me check here. I'm entering key 1, value a, key 2, value q, key 3, value e, and key 4, value t. After that I'll print d. This is my dictionary. Here what I have given some space. Okay, in value of value at key 2 I have given a space, that's why here is a space. You got it? Taking a user input. Chirag, what you have written? How we update the value of any key? Simply आपको value change करनी है तो आप simple like d of 1 equals to, मैंने लिखा 43. 1 क्या है, ये मेरा as a string लिया तो मुझे string की तरह ही लिखना होगा. ये क्या करेगा, सबसे पहले dictionary में देखेगा key 1 present है क्या, present है तो ये 1 पे एक ही जगह 43 अपडेट कर देगा. ओके, okay?
Ganesh, in my profile, I have written short summary. Please check it. Okay, Ganesh, we will check it. And Sagar, you got it? Gaurav is asking last line head. I'm not getting your question, Gaurav. डिलीट पे मैं आती हूँ. कपिल इज आस्किंग मैम डिलीट करें तो की और वैल्यू कैसे डिलीट करें. एंड लास्ट लाइन एड एलिमेंट. लास्ट लाइन एड एलिमेंट. आई एम नॉट गेटिंग गौरव. Okay, okay. If something important, you can elaborate it. Okay, guys. Adding elements in dictionary, removing items in dictionary. Now I'm coming to the हम लोग values कैसे मतलब कैसे elements delete करेंगे dictionary से. For deleting a specific value, we use pop or pop items function. Ma'am, if we use key value in a string, then it add one extra element at the end of the dictionary. If we use key value in a string, then it add one extra element at the end of the dictionary. No XA. Just write your code here. Okay, Krishan, you can just see after the class, you can practice the things. No, Akshay. Simply, if I add like this, यहाँ पे मैंने add किया ना, ये सारी string ही तो है. String key है और string ही value है. Empty कहाँ है? Empty कुछ भी नहीं है. और कुछ भी extra element add नहीं हुआ है. Sagun, what's your doubt spending? Where you have written? Okay, today I'll check it. If it is pending, I'll complete it today. Sorry for late. I'll complete it today. Okay? Maybe some are missed by me. I'll check it. Ma'am, if know the value, then how we find the key? अगर आपको value पता है find key find करने के लिए आपको एक function बनाना पड़ेगा. इसका कोई direct method नहीं है क्रिश. आपको user defined कोई function create करना पड़ेगा. आपको logic के through जाना पड़ेगा उसमें. ठीक है? And now come to our theory part. यस यस. अगर आप ऐसे लिखते हो एक्स से तो ऑब्वियस ही बात है ये पहले चेक करेगा उसके पास. रुको मैं अभी लिख देती हूँ. डी वट इज ए. ए तो समथिंग डिफरेंट है ना. मेरा डी है एक्चुअली. ए मेरा लिस्ट है. ओके आई एम प्रिंटिंग द डी. ये ऐड नहीं करेगा बिकॉज वन मेरे पास ऑलरेडी है. अगर मेरे पास ऑलरेडी नहीं होता लाइक मैं वन की जगह इलेवन लिखती हूँ तो एक एलिमेंट और ऐड हो जाएगा. इलेवन एक और ऐड हो गया.
ये कहीं पे भी हो सकता है, ओर्डर्ड नहीं होता है। समझ आ गया आपको? अगर उसमें पहले से की प्रेजेंट है तो वो चेक करेगा, उसकी वैल्यू अपडेट कर सकता है वो, अगर आपने डिफरेंट वैल्यू दी है तो। अगर पहले से की प्रेजेंट नहीं है तो वो नई की और वैल्यू क्रिएट कर देगा डिक्शनरी में। ओके okay? यस, कीज आर यूनिक ऑलवेज चिराग, कीज आर ऑलवेज यूनिक इन डिक्शनरी, वी कैन नॉट रिपीट द कीज, इट इज अनऑर्डर्ड। हम एंड में ऐड नहीं कर सकते, ये कहीं पे भी ऐड होएगा, ये ऑर्डर्ड नहीं होता डिक्शनरी। ठीक है कृष्णा। स्नेहल इज आस्किंग मैम माय क्वेश्चन इज विजिबल और नॉट। नो स्नेहल, आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। यू कैन सेंड अगेन। ओके नाउ कम टू दिस मॉड्यूल। आई वॉज टेलिंग द डिलीट, आपको एलिमेंट्स डिलीट करने हैं। तो डिलीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप पॉप फंक्शन यूज कर सकते हैं, पॉप, एंड आप पर्टिकुलर कीज से भी डिलीट कर सकते हैं, डेल भी यूज, DEL भी यूज कर सकते हैं। लाइक DEL, जैसे मेरे को पर्टिकुलर की से कुछ डिलीट करना है, DEL, D ऑफ सिंगल कोट्स 1, नाउ आई विल प्रिंट D, 1 की मेरी की वैल्यू डिलीट हो जाएगी। ओके okay? मेगा इज आस्किंग मैम आई एंटर द की वैल्यू एज इंटीजर बट इट टेक्स एज कैर। वाई मेगा, रिमेंबर योर डे वन क्लास, आई टोल्ड यू लाइक पाइथन ऑलवेज टेक्स इनपुट एज ए स्ट्रिंग। इफ यू वॉन्ट लाइक इफ यू वॉन्ट इंटीजर इनपुट देन यू शुड कन्वर्ट दैट इनपुट एज ए इंटीजर, पास इट थ्रू द इंट फंक्शन। This is unordered. We cannot use index. Here, in place of index, we are using keys. Okay? And similarly, you can use the pop function like d dot pop. Sorry, I need to pass the parameter. Now you can write this, print the D, this, this, and this. I have deleted the key value 2. Okay, these are the similar function del and pop. Okay, guys, so these are the some basics about the dictionary. You should use the dictionary and practice this. And here are lots of functions available in the dictionary. Like some I have already told you, key, items, keys, and values. And apart from that, we have update function, adds dictionary in other dictionary. Like if you have two dictionaries, you want to update one dictionary with the values of other dictionary, then you can use the update function, copy function, and length function. All these function, get function is similar to get the values like dict dot get
for keys return value or default if key not in a dictionary. Simply, it returns the values. Okay. If you want to delete the entire dictionary, then just write the del and then dictionary name. It will delete the entire dictionary. Don't give a key. Okay, this is all about the dictionary. Now come to a small topic, that is the functions. ये बहुत ही छोटा सा topic है, मैं within 5-10 minutes में ये complete कर दूँगी, क्योंकि functions में ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है. कैसे हम functions लिखते हैं Python में, कुछ inbuilt functions होते हैं, तो ये चीज़ें मैं आपको explain कर देती हूँ. And आप लोग देख रहे हो, अगर आपको लगता है content में कुछ और add on करना चाहिए, तो आप नीचे comment कर सकते हो कि हम लोग ये एक topic और add करेंगे. आप लोग अच्छे से पढ़ते हो तो आपको एक एक चीज क्लियर होती है. यू कैन सजेस्ट लाइक इफ यू वांट टू इंक्लूड सम मोर थिंग्स इन दिस इन अ रिटन आर्टिकल वी विल लुक एट दैट एंड इफ इट इज अ गुड गुड कंटेंट देन वी कैन इंक्लूड इट. ओके, नाउ कम टू द फंक्शंस. नाउ फंक्शंस functions are how to declare the functions in the Python. Simply, we can create a function with the help of def keyword. Like def. Def is an inbuilt keyword, and with the help of this keyword, we can define functions in Python like fun, this. Def, then function name, and then the brackets. Now write the colon, okay, enter, and here what you want to write, like I just want to add two values. Here I'm passing two arguments, a comma b, okay, and I just want to sum of two variables and then return the third variable, a plus b, sorry, return C. Okay, this is the simple function I have created. Function name is fun, passing two arguments A and B and returning one argument C. Here we do not need to write the data type like integer, float for the int and A and B, and similarly for the C also. We can pass any data type and it can return any data type. Okay, so how to call it? Like fun, I'm giving 10 comma 20. Simply, it will provide you value 30. Or either you can store in a variable x is equal to 30 fun or print x. Okay guys, def one a comma b, c is equal to a plus b, return c. Okay, and here I'm calling the function. How to call function? Write the name and pass the parameters, and it will return a value that I'm storing in the x, and I'm printing value of x. Okay guys, got it? And now come to the article. Like function is a group of statements that perform a specific task. क्यों लिखते हैं हम लोग function? Basically हमें एक code को बार बार use करना होगा. Function helps reduce line of code and break into small code section. And basically function use code in more organized and manageable. And we can say there are three types of functions in the Python. One is user defined functions, built in functions and lambda functions. Right? User defined function कैसे define करते हैं ये मैंने आपको अभी बता दिया, right? That we have covered. Calling a function, we have called a function. Here we have written a function def add a comma b, return a plus b,
and taking the user input. You already know how to take user input with the help of input function. I'm converting it into the integer. Similarly, taking the another user input with the help of input function and converting it to the integer. We are taking two user inputs A and B as an integer and then calling the function add, passing A comma B. It will go to there. A assigned a particular value that we user entered and B assigned the value that user entered, and then the sum of A plus B will be returned. Okay. Mans is asking X data type is a string or integer. It can be anything. Like in my example, it can be anything. Basically, if I'll passing values integer, then it will be only the integer. But agar aap float values pass karte hain, to ye float ho jayega. Yahan maine kahin data type define nahi kiya. Data type automatically Python will take care of it. Okay. And this is the user defined function. You can practice the other functions also here. Parameters and arguments, you know. You can also pass the keyword arguments. Okay. In this type of argument, order of argument doesn't matter. When we call function, we define argument with their respected values. This is the nice thing here. Like if I'll pass the, here I have declared the variable, I'm calling name comma age. And if I'm passing the values like name is equal to XYZ, age is equal to 21, then order doesn't matter. I can change the order. Like first I can pass the age and then I can pass the name. Okay, this is the simple thing. You can see all these from the article. And you can also pass the variable length arguments. Sometimes we need more variables than already listed in the function. In such cases, we have we use variable length star in place of before variable names that holds the value of all variable arguments. Like आपने define करते time कहीं पे भी नहीं बताया कि आपको कितने variables हैं. आपने asterisk b लिखा तो आप जितने variables pass करेंगे वो सारी values आ जाएंगी. B can be a list. Okay? एक list की तरह behave करेगा. Now come to the some built-in functions. These are the user-defined functions. User-defined functions हम सबको पता चल गए. Now I'm coming to the built-in functions. Built-in functions क्या होते हैं? जो inbuilt function है. ये बहुत सारे functions होते हैं. इनमें से कुछ एक हमने अभी तक use किए हैं. बाकी आप लोग practice कर सकते हो. आप simple होते हैं. आप simple इनके definitions check करके use करके देख सकते हो. कुछ एक यहाँ नीचे लिखे हुए हैं. But आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा practice कर लेना. सेट मैप ये सारे आप प्रैक्टिस करना. ओके, नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन दैट इज द लैम्डा फंक्शन. मैक्स फंक्शन का यूज है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा वो आपको. इसे लिस्ट में आप मैक्सिमम या इस तरह से आप कुछ टपल में मैक्सिमम कुछ निकालना चाहते हो तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शन हैं. एंड अलग अलग प्लेस पे इनका क्या यूज है आप इनके एग्जाम्पल सर्च आउट कर सकते हो सिंपली. Not the sky value, simply the mathematical value जो होती है वो दे देगा आपको. Characters में आपको alphabetical order में दे देगा. Okay? And now come to the lambda function. Lambda function, it is the nice concept introduced in the Python. It is available only in the Python. Lambda function में हम एक ही line में पूरा function define कर लेते हैं. No, it is not a scientist. It is a name of function. I don't know what is the history behind it. Maybe it may be name of some scientist. You can study it. But basically, lambda function means how to define the lambda function and how to use the lambda function. That I can tell you. Like it is a function that we can define within a single line. Okay. Lambda function is an anonymous function, means that a function is without a name. You do not need to write a name. To create a small anonymous function, lambda keyword is used.
आपको फंक्शन का नाम डिफाइन नहीं करना, आपको सिंपली एक फंक्शन डिफाइन करना है. व्हाट इज दिस, लाइक इसका सिंटेक्स क्या होता है, लैम्डा. लैम्डा आते ही हम लोग समझ जाते हैं कि पाइथन का कोई फंक्शन है. ओके, लैम्डा. देन आर्ग्यूमेंट्स, उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट्स आपको पास करने हैं तो कॉलन. देन एक्सप्रेशन, जो उसके अंदर का कोड अपन लिखते हैं, जो आप इंडेंटेन करके जो कोड लिखते हैं वो एक्सप्रेशन में आ जाएगा आपका. सिंपली वी कैन टेक द एग्जांपल हियर, लाइक लैम्डा ए कॉलन ए स्टार एन. हियर ए फंक्शन दैट पासिस द आर्ग्यूमेंट ए एंड इट एग्जीक्यूट द कोड ए मल्टीप्लाई बाई एन एंड रिटर्न टू द एक्स. ओके, लाइक सॉरी, हाउ टू कॉल इट, आपको ये कॉल करना है. ये एक आपने फंक्शन डिफाइन किया सिंपली, लैम्डा ए कॉलन ए इंटू एन. यहाँ पे फंक्शन का कोई नाम नहीं है, आपने आर्ग्यूमेंट्स दे दिए और एक्सप्रेशन दे दिया. ए इज आर्ग्यूमेंट्स एंड कॉलन के बाद ए स्टार एन इज एक्सप्रेशन. x इज इक्वल टू हमने ऐसे लिखा. अब हम इसको कॉल कैसे करेंगे, अब जो हमने यहाँ वेरिएबल का नाम लिखा है उससे हम इसको कॉल करेंगे. x, x के ब्रैकेट में जितने आर्ग्यूमेंट आपने पास किए हैं वो आप यहाँ पास करोगे. लाइक एक आर्ग्यूमेंट था a, सो यहाँ पे हमने क्या पास किया, 20. ठीक है, मैं जुपिटर पे बताऊ आपको. ओके, आई वॉज सेविंग द टाइम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग हियर. Can we use lambda function instead of user function? Both you can use and they have their separate benefit. कई बार आपको बहुत बड़ा function लिखना होता है तब आप user function prefer करते हैं, और जब आपको छोटे expression में चीजें solve करनी है तो आप lambda function define कर सकते हैं. It is up to you. दोनों use कर सकते हैं. Like here, I'm taking example, एक नंबर मैं पास कर रही हूँ 50, okay? 50 को simply यहाँ पे क्या लिखा, एक function लिखा lambda, a एक variable है, argument है, lambda में a argument में pass करूँगी, colon उसके बाद में expression लिखूँ, a into n, user से input लिया मैंने n, n क्या लिया मैंने 50, ठीक है? अब मैंने x 20, यहाँ पे जिस वेरिएबल में आप पास कर रहे हो x, x 20 यानी 20 किसकी वैल्यू है, a की. a की 20 वैल्यू है तो आप क्या करोगे, 20 इंटू n की वैल्यू क्या थी 50, 20 इंटू 50 आपका वैल्यू किस में जाएगा, x, 20 इंटू 50 आपका वैल्यू इवेलुएट हो जाएगा. आप उसको प्रिंट कर सकते हैं, सिंपली आप फंक्शन को प्रिंट कर सकते हैं. ठीक है, लैम्डा फंक्शन इज इनलाइन फंक्शन होता है, बहुत छोटा सा फंक्शन होता है, इसलिए जहां पे हमें इनलाइन एक ही लाइन के फंक्शंस लिखने चाहते हैं हम, तब हम लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हैं. सो हाउ इट गोट एन, एन एक वेरिएबल है जो आपने यूज किया है, तो इसको ये यूजर से आपने इनपुट लिया तो ये सिंपली वेरिएबल जो आपने यूज किया वो ये ग्लोबल वेरिएबल है, इसको डायरेक्टली ये ले सकता है वैल्यूज. ओके, और भी आप लैम्डा के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शंस. Okay, so till now today I have covered three topics. One is tuple, then dictionary, and then the function. Shorting के लिए आपके पास shorted function होता है, एक short function भी होता है मैम, कहाँ आप use करना चाहते हैं उस पर depend करते हैं. Okay?
Rishikesh, how to read files in a dictionary? I'll tell it later. Okay. Yes, you can use sorted. Yes, Swati. Next, a small concept. I'll tell you about the classes and objects. Okay. Kapil is telling, ma'am, ab kal kare aage. Yeah, I'll come to the sets also. Sets, acha, sets hai chota topic. Hum isko le lenge abhi pehle. To hamare data types complete ho jayenge aur functions complete ho jayenge. Yes, set is left. अभी मैं सेट ही करा देती हूँ. जस्ट छोटा सा टॉपिक है, हम अभी कर लेते हैं. आई कवर सेट्स नाउ. खुशबू, मुझे ध्यान नहीं रहा था सेट्स बाकी है. ओके, सो नाउ आई एम कपिल, जस्ट फोकस. ओके, एक छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है. Max, you can take the example of Max. Simple. आप कोई भी लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट में से मैक्स निकाल सकते हैं आप. One second. Max of L. और कोई एग्जाम्पल? नो नो, वी आर डूइंग सेट्स ऑल्सो राज, जस्ट वेट, नॉट डन फॉर टूडे. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ मैक्स आस्था. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द सेट्स. जस्ट आई कवर इट विद इन द 5-10 minutes. ओके, yes Anjali, it's compulsory to submit summary regularly. Regularly you need to write. It's not like ek single day mein aap jaake sari summary likh lenge, aisa nahi hoga. Ek din mein aap sare topic padh hi nahi sakte na, it is not possible. So please read, it is for your benefit, it's not my benefit. Rajshri, no issue. We'll counting the attendance. You do not need to worry about it. Okay? At the end, we will tell you. You just complete the content and write the timely day-to-day activity. Yes, you need to write the summary of machine learning modules also. If you have started, then you can write this. Koi project nahi milega, aapko karna hai project. Okay? Milta kuch nahi, aapko khud karna hai. I'll explain the things. You will be like, aap log kar sakte ho kuch se. Ma'am ko kaise pata lockdown extend hoga kya? Kapil, I'm not there in a position to decide it. Tum log batao kya view hai tumhara. I have given only the assignment one, not two. Okay, just I'm going ahead. Okay, sets, come to the sets. A set is an unordered collection of items. It is similar to dictionary, it is not ordered. Okay, every element is unique and a set is created by placing all the items inside the curly braces.
इसमें भी हमारे पास क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होते हैं, जैसे आपके पास डिक्शनरी में कर्ली ब्रेसेस होते हैं, यहाँ पे की वैल्यू नहीं होता लेकिन, ओके सिंपली हाउ टू क्रिएट ए सेट्स, लाइक क्रिएटिंग सेट्स, मैं यहाँ से थोड़ा पढ़ा रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना बिकॉज मैं उधर प्रैक्टिस करूंगी, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, ओके सिंपली आपको एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है, यू कैन राइट द सिंपल सेट फंक्शन, ओके आई एम कॉपिंग दिस, ओके लाइक क्रिएटिंग ए सेट, यूज द सेट फंक्शन, आप प्रिंट सेट ए करोगे तो एक एम्प्टी सेट आएगा आपके पास, ओके okay? अब आपको क्या करना है, एक और सेट क्रिएट करना है, लाइक अब मेरे को एम्प्टी सेट क्रिएट नहीं करना है, पहले मेरा एक एम्प्टी सेट था, देन मेरा सेकंड सेट मैंने क्रिएट किया जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज दी, गो इड्यू हब, अब क्या होगा, गो एडियो हब एक सेट बन गया जिसमें ई ओ यू एच, अब आप लोग देख सकते हो इसमें क्या है, कोई सीक्वेंस नहीं है, अनऑर्डर्ड है, ओके और जो आउटपुट आपका आ रहा है वो कर्ली ब्रेसेस में आ रहा है, एंड यू कैन यूज ए स्ट्रिंग, आप एक स्ट्रिंग को भी सेट के अंदर पास कर सकते हो, एक लिस्ट को भी सेट के अंदर पास कर सकते हो, ओके अभी बताती हूँ मैं क्यों यूज करते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट्स इन द सेट, सिंपल आपने एक सेट बना लिया, अब सेट में से आपको एलिमेंट्स एक्सेस कैसे करने हैं, सेट में से एलिमेंट्स एक्सेस करने के लिए आप सिंपली जैसे यहाँ पे अपन ने एक लूप लिखा है, ठीक है, फोर आई इन सेट बी प्रिंट आई, सिंपली आप एक एक एलिमेंट आपका, वी कैन एक्सेस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट यूजिंग लूप, हाउएवर सेट्स आर अनऑर्डर्ड, इट इज अनडिफाइंड विच ऑर्डर द इटरेशन विल फॉलो, आपको ऐसा नहीं है कि इसी ऑर्डर में आउटपुट मिलेगा, आपको आउटपुट किसी भी ऑर्डर में मिल सकता है, ओके सो सिंपली आपको एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं तो आप इस तरह से एक्सेस कर सकते हो। अब आपको मेंबरशिप चेक करना, मैं एक एक चीज पे आ रही हूँ, जस्ट होल्ड ऑन योर क्वेश्चंस, आई कम टू योर क्वेश्चंस, आई आंसर ईच एंड एवरी, ओके वेट, एडिंग एलिमेंट्स टू द सेट, एक सिंपल सेट हमने बनाया, उस सेट में से हमने एलिमेंट्स एक्सेस कर लिए, मेंबरशिप मींस हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट चेक करना चाहते हैं वो सेट में है या नहीं, लाइक हेलो इन सेट बी, हेलो अगर सेट बी में है तो ट्रू आएगा, नहीं है तो फॉल्स आएगा, ओके एडिंग एलिमेंट्स टू द सेट, अब आपको सेट में और एलिमेंट्स ऐड करने हैं, सो सिंपली आपने एक एम्प्टी सेट लिया, यूजर से जैसे आप लोग कहते हो ना, यूजर से इनपुट लेना या कुछ इस तरह से आपको अपना खुद का सेट क्रिएट करना है, आप क्या करोगे, एक एम्प्टी सेट लोगे, फिर एक लूप लगाओगे और एड फंक्शन यूज कर सकते हो आप यहाँ पे, एड फंक्शन से आप सेट में अदर एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो, ओके सिंपली एड, फिर एलिमेंट का नाम आप लिख सकते हो, एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स इन ए सेट, एक बार में आपको एक से ज्यादा एलिमेंट्स अपडेट करने हैं तो हम लोग क्या करेंगे, दो जैसे कि अपडेट फंक्शन को यूज करेंगे, ये सारा कोड एग्जीक्यूटेबल है, आप इसको खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके एंड इन सेट ऑल द वैल्यूज आर लाइक वैल्यूज आर ऑलवेज यूनिक, तो जनरली हमें कहीं पे यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो हम सेट बना लेते हैं, आपको किसी लिस्ट में यूनिक वैल्यूज निकालनी है तो आप सेट से निकाल सकते हो इजीली, ओके सम स्टूडेंट्स टेलिंग मी मैम एक्सप्लेन इन जुपिटर, ओके गाइस चेक इट, इट्स नॉट ए डिफिकल्ट टॉपिक, इट इज वेरी इजी टॉपिक,
Here I have declared a set, empty set, then added the elements I, loop chalega 1, 2, 3, 4, 5, 4 tak. To set mein add hote jayenge element. Pehla element kya hoga? 1, fir 2, fir 3, is tarah se. Ganesh is telling it is not Jupyter, Ganesh. It is a part of Jupyter. It is a Jupyter notebook only, but provided by the Google. And here we are adding one by one elements, and then we can update, we can add a list of elements. Okay. Remove items from set. Set से आपको elements हटाने हैं तो आप क्या कर सकते हो, pop, remove, discard functions use कर सकते हो. आप copy बना सकते हो एक set की, यूनियन कर सकते हो आप दो सेट्स का, दो सेट्स को कंबाइन कर सकते हो. देखो यहाँ पे आप देखोगे एक ए सेट है जिसमें 1, 2, 3, 4 है, बी सेट है 3, 4, 5, 6 है. अब यहाँ पे एक रिपीटेटिव वैल्यू है देखो 4, बट आप जब इन दोनों का यूनियन करोगे तो रिपीटेटिव वैल्यू है वो रिमूव हो जाएगी. सो बेसिकली सेट इज ए, एज यू कैन सी सेट ओनली टेक यूनिक वैल्यूज. दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ सेट, जहां पे आपको यूनिक वैल्यू चाहिए आप सेट को यूज कर सकते हो. ओके, इंटरसेक्शन आप कर सकते हो, जो कॉमन वैल्यूज है वो निकाल सकते हो, डिफरेंस आप कर सकते हो, फ्रोजन सेट आप बना सकते हो. दीज आर द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम दिस आर्टिकल, ईच एंड एवरीथिंग इज वेल एक्सप्लेन्ड हियर. ओके, नाउ आई एम कमिंग टू योर क्वेश्चंस. पाइथन सेट्स आर द सेम एज मैथ सेट्स, you can say kind of. Ritika, is a difference between pop and remove, dono alag alag method and delete karne ke. What is the difference between dictionary and set? It is a big difference. Dictionary have key value pair and set have only the values, and set have unique values only. And dictionary have unique keys. Dictionary can have repetitive values. Okay. Set se elements kaise delete kar sakte hain? You can use the pop function or remove function. Okay. And Kapil is telling, ma'am, bachcho ko batao, sets kaam nahi aata hai problem solving mein. एक्चुअली सेट बहुत कम काम आता है. बेसिकली आपको कहीं यूनिक वैल्यू चाहिए वहां सेट काम आता है. बेसिकली आप पाइथन पढ़ रहे हैं, आप पाइथन में अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, तो आपको लिस्ट, डिक्शनरी एंड देन द बेसिक स्ट्रिंग, ये सब चीजें आनी चाहिए, लूप्स एंड कंडीशंस. इसके अलावा बाकी सिंटेक्स बहुत कम आते हैं. एंड नाउ यू आर इन ए पोजिशन, यू कैन सॉल्व द गुड क्वेश्चंस. Like we have covered most of the topics of a programming, so you can solve good competitive questions in a Python. Mohit is asking, ma'am, some questions of the assignment do not understand, can you explain? Yes Mohit, just tell me which question do you want to ask me. Question number, just tell me. I'm opening assignment. Fifteenth question. Okay, I'm coming to this. Okay. Write a Python program which takes two digits as input and generate a two-dimensional array. The list values in I through and J column of array should be I into J. Like you need to create a two-dimensional array and the values at array, and like ith position पे आपकी जो value होगी, आपके पास एक array है जिसमें two rows हैं and two columns हैं, ठीक है? अब उनमें से आपको हर position पे value क्या create करनी है, उसकी row
into column. Like 2,2 पे वैल्यू क्या होगी 4, 2,1 पे वैल्यू क्या होगी 2. मानसी व्हाट इज दिस? चिराग 13th इज इनकम्प्लीट. क्या है 13th क्वेश्चन? 13th इज बेसिकली पैटर्न जो आपका एस का जो पैटर्न है वो है बेसिकली 13 का पैटर्न ऊपर लिखा हुआ है. ओके ओके मानसी आई विल चेक इट. मानसी इज रिटन द आंसर. जस्ट चेकिंग हर आंसर. If you are getting the correct answer, then it is okay. Approach हर person की अलग अलग हो सकती है किसी भी question को solve करने की. आपकी approach अलग हो सकती है, मेरी अलग हो सकती है. एंड हियर मैम हाउ डू वी हैव टू सबमिट द असाइनमेंट? यू डू नॉट नीड टू सबमिट इट मैम. प्लीज एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 13. ओके आई विल एक्सप्लेन इट. एंड व्हाई वी हैव यूज एंड हियर? वेयर वेयर सगुन? आई एम जस्ट चेकिंग. वेट अ मिनट. It's very difficult. Am I audible now? Hello. Okay. There was some problem with my mic. Okay. 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 Thank you all. And okay. Okay, guys. So. Do the practice and tomorrow we will do the next topics. Okay. I think enough for today.
Yes, you can leave. Thank you all and bye-bye.